आज हम गुलबर्गा के माने हजरत शेख ताजुद्दीन बाबा जुनेदी का 40वीं के लिए मैं और हमारे सीनियर लीडर एमएलसी साहब सुशील मोशी साहब और हमारे साथी आए हैं और यहाँ का माहौल सारे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। हम आज साहब को याद किए हैं और उनके सहाय में भी हम आज रहना है। जो मार्गदर्शन दिए आज वो जो उसूल छोड़ के गए उस उसूल पे हम चलना चाहिए। कोई उनका उसूल नहीं भूलना चाहिए। उनका उनके जो आखिरी जर्नी में हर कौम के लोग आए हैं कम से कम 2-2.5 लाख और मेरा नसीब नहीं था उनका जो आखिरी जर्नी में शामिल होने के लिए। मैं दिल्ली में था, हमारा पार्लियामेंट 9 तारीख खत्म हो गई लेकिन मेरा तबीयत एकदम बिगड़ गया था। मेरे साथी जो भी है वो पूरे यहाँ पे आकर उनके आखिरी जन्म में जुड़े हैं। हम चाहते हैं गुलबर्गा में शांति रहे, अमन रहे, हर लोग खुशी रहे, भाईचारा रहे, कोई किसी का नजर न लगे गुलबर्गा, ये मानते हैं। हजरत शेख जुनेदी साहब उनका जो 40वां दिन आज हम मना रहे हैं, मैं समझता हूँ एक अच्छा मौका था जो हमको मिला है और इस कार्यक्रम में हम भी मैं और एमपी साहब शामिल हो गए हैं। उनका जो हर मज़हब के लोगों के ज़बान से ये सुनाई देता कि वो बहुत बड़े आदमी थे, अपना आशीर्वाद अपना योगदान वो हर किसी को दिए हैं और उनके आशीर्वाद से उनके जो नक्शे कदम पे हम सभी लोग चले ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। साथ ही साथ वो उनके जो मुरीद है हर जगह जो देश भर में सब जगह है, मैं अभी सुन रहा था कि आज यहाँ है, कुछ दिनों बाद हैदराबाद में है, उसके बाद में बेंगलोर में है। ये सिर्फ ये बताता है कि उनके मुरीद देश के सभी जगह पे, भारत के सभी जगह से वो उनके मुरीद आते हैं। मैं समझता हूँ उनके आत्मा को शांति मिले और उनके जो तत्व है, उनके जो नीति नियम है, वो हम सभी लोग आगे हम पालन करें और इस देश की भलाई, मैं समझता हूँ सभी की भलाई उसी में है। धन्यवाद।